नमस्कार इंसाफ टीवी देख रहे दर्शकों का फिर तो स्वागत है। स्कॉलरशिप फंड घोटाले में कैप्टन सरकार के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का नाम आने तो बाद जिते पूरे देश में अलग अलग पार्टियों द्वारा उन्होंने खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्थे गुरदासपुर में अज आम आदमी पार्टी वालों मंत्री पंजाब साधु सिंह धर्मसोत और पंजाब सरकार के खिलाफ रोज तांदिया होया गुरदासपुर की सड़कों उपर रोज प्रदर्शन करते हो जम के नारेबाजी की गई जिथे आप नेतावान वालों मंत्री साधु सिंह अते पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दा पुतला भी जलाया गया। इस संबंधी जानकारी देंदे होया आम नेतावां कहा कि स्कॉलरशिप घोटाले विच कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत दा नाम आन तो बाद पूरे पंजाब विच लगातार अलग अलग पार्टियां वल्लों धरने अते पुतले फूके जा रहे हन, जिस दे चलदे अज आम आदमी पार्टी वल्लों गुरदासपुर विच रोस प्रदर्शन कर मंत्री दा पुतला फूकिया गया है। इस मौके ते पत्रकारां नाल गलबात करदे होया आम नेतावां ने कहा कि पंजाब विच कैप्टन सरकार हर तरफ तो फेल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि खुद मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ऐसी भाईचारे के होने के बावजूद अपने ही भाईचारे के बच्चों को मिलने वाले वजीफे खा गए हैं, जिस दे चलदे पंजाब विच मुख्यमंत्री उन्होंने बचाने विच लगे हुए हैं। आम मित्र डॉक्टर कवलजीत सिंह ने मांग की कि नैतिकता के आधार के प्रधान मुख्यमंत्री पंजाब को अस्तीफा दे देना चाहिए है। देखो इंसाफ टीवी से पूरी खबर। जो प्रोग्राम सीगा ये सारे पता कि कैबिनेट मंत्री धर्मसोत जेड़े ने उन्होंने गरीब बच्चे शड्यूल कास्ट बच्चों का जोड़ा वजीफा खाधा है। और देखो एजुकेशन एक तरह का सोर्स है जिद समाज ने अगे जाना है, देश ने अगे जाना, खास करके गरीब वर्ग के शड्यूल कास्ट बच्चों जो केंद्र की सरकार की तरफों वजीफा आता है वो ये सरकार जो खा रही ने। ये जोड़ा मंत्री हैगा एससी मंत्री हैगा वो एससी चार्ज हैगा वो बावजूद उन्हें घपले किए हैं। ये घपले हूँ तो नहीं चल रहे, जो केंद्र की सरकार तो बाद अकाली भाजपा की सरकार भी सी उदों भी ये जड़े घपले हुए हैं। जोड़े एससी बच्चों का स्टाइफंड आता सीगा उन्होंने दूसरे पास डाइवर्ट कर देंगे सके। ये पढ़ाई का जोड़ा स्टाइफंड है स्कॉलरशिप हैगा इनू उन्होंने बच्चे देना चाहिए है। और बच्चे इन्ने गरीब घर च उठ के अगे पढ़ते हैं तो और अगे जाते हैं तो समाज अगे जाता है। सो धर्मसोत जी को शर्म होनी चाहिए है, कैप्टन साहब नू शर्म होनी चाहिए है। इन्हों का जोड़ा इनक्वायरी हैगी हाई कोर्ट के जज तो या CBI तो करवानी चाहिए हैगी और इन्हों मॉरल ग्राउंड से अस्तीफा दे देना चाहिए है। मैं कांग्रेस पार्टी घोटालिया की सरकार कहना क्योंकि जदों तो ये सरकार बनी है इन्हें रेत माफिया भू माफिया कभी केबल माफिया कभी ट्रांसपोर्ट माफिया कभी नशा माफिया सारे माफिया के घिरे च घिरी हुई है कांग्रेस सरकार आ जिन्हों का कैप्टन आ वो कैप्टन राजा अमरिंदर सिंह आ। मैं ये बड़े शर्म की गल आ कि कैप्टन का एक पहले मंत्री राणा गुरजीत जड़ा सीगा वो रेत के घबलों में तो हूँ यदा मंत्री जरा धर्मसोत आ गरीबों के वजीफे खाने के सब तो अगे आ। मैं किन्हां नूं कहना कैप्टन के ये तो फौरन जरा अस्तीफा लवे क्योंकि वो गरीब लोग जिन्हों गैडलॉक के जिन्हों करोना के बहाने घर आटा ज दाल तो दिती नहीं गई पर इस कैप्टन ने लोगों घर घर पैकेटों के शराब जी वरताई पर उन्होंने आटा या दाल देने की बजाय इसने वो करोना के बहाने आके अज गरीबों देने वाला जोड़ा स्टाइफंड जोड़ा वजीफा से वो भी ये मंत्री ने 64 करोड़ रुपया खा लिया। अज अपोजिशन पार्टियां सारिया यदी जान रो रही कि उन्होंने सस्पेंड करो पर एक कैप्टन धर्मसोत की पुश्त पनाई कर रहा उन्होंने बचाने वास्ते सारे हीले कर रहा जिन्ना चिर तक ये को कैप्टन अस्तीफा नहीं लगा ये परचा रजिस्टर नहीं करता उन्ना चिर तक आम आदमी पार्टी जी है रात दिन एक करके जिन्ना चिर इसका बहाना बना के लोगों लुटिया जा रहा लोगों कुटिया जा रहा लोगों घर तो चुक के जिंदा उन्होंने लाशा घर बचा रही ये सरकार सारी फ्रॉड आ करोना के नाते लोगों का विश्वासघात कर रही है। कोई करोना नहीं है जे करोने का कोई इलाज नहीं तो मैं एक कैप्टन दसे भी कि चुक के कितने इलाज किया जा रहा लोगों की अज मंग आ कि उन्होंने क्वारंटाइन घर किया जाए ना कि हस्पतालों अज हस्पतालों अंग बेचे जा रहे हैं लोगों मौत के घाट उतारिया जा रहा इस करके जरा एक मास्क पा के आप गल करते असी बिल्कुल अवॉयड हाँ बिल्कुल अलर्ट हैं ये उत्ते कि असी ये सारा जरा मन के चलीए कहते मैं कहना सरकार वालों जो बनी बनाई कहानी ना होंगी तो अज ये पहला एक जश्न मना चुके हैं कि करोना जरा खत्म करता लखा रुपये इन्होंने खर्च करते जश्न मनाने वास्ते अज फिर रातों रात करोना कितने अज करोना का डर सिर्फ इन्हों आम आदमी पार्टी तो लग रहा कोई करोना नहीं इन्हों अपोजिशन तो डर लग गया काम नहीं करना चाहते।